आमिर खान, अमिताभ बच्चन, फातिमा सना शेख और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर आज रिलीज किया गया। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म का क्लैश सीधा सीधा रजनीकांत अक्षय कुमार की फिल्म रोबोट 2.0 से आता जा रहा है। ऐसे में रजनीकांत अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 का टीजर भी इसी महीने 13 सितंबर को रिलीज किया गया था और थग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर आज रिलीज किया गया है। दोस्तों व्यूज और लाइक्स के मामले में काफी हद तक पीछे रह गई है फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान। जी हां दोस्तों, 2.0 को काफी ज्यादा व्यूज मिले हैं थग्स ऑफ हिंदुस्तान के मामले में। थग्स ऑफ हिंदुस्तान के हिंदी टीजर को दोस्तों 6.4 मिलियन व्यूज अब तक मिल चुके हैं, जब तक इस टाइम तक 2.0 के व्यूज 10 मिलियन से ऊपर जा चुके थे, वो भी केवल हिंदी में और तमिल और तेलुगु अलग। तमिल और तेलुगु में फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान ट्रेलर को काफी ज्यादा ही बुरा रेस्पॉन्स मिला। जी हाँ दोस्तों, अब तक उस पर 2 लाख व्यूज भी नहीं हो पाए हैं और लाइक्स के मामले में भी थग्स ऑफ हिंदुस्तान का ये ट्रेलर काफी ज्यादा पीछे है रोबोट 2.0 के टीजर से ही। अभी तो 2.0 का टीजर आना बाकी है। तो दोस्तों यूं कहें कि पहले लुक के बाद में थग्स ऑफ हिंदुस्तान 2.0 से काफी पीछे रह गई, तो इसमें कोई भी दोहराए नहीं। अब देखना ये होगा कि कमाई के मामले में कौन जीतता है। फिलहाल तो 2.0 का पलड़ा हर कहीं से भारी लग रहा है। हालांकि आमिर खान की इस फिल्म को दिवाली के त्योहार का काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, जबकि 2.0 की जो रिलीज डेट है वो नॉन हॉलीडे डे है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, जहां पर भी रजनीकांत होते हैं छुट्टियां अपने आप बन जाती है। पूरे साउथ में जब छुट्टी हो जाती है जब रजनीकांत की फिल्में रिलीज होती है, और बॉलीवुड के खिलाड़ी को किसी छुट्टी के मोहताज नहीं है। ऐसे में दोस्तों 2.0 का पलड़ा थग्स ऑफ हिंदुस्तान से काफी ज्यादा भारी लग रहा है, और इसके टीजर के रिकॉर्ड को देखते हुए भी अभी आंका जा सकता है कि सारे रिकॉर्ड तो 2.0 के ही नाम होने वाले हैं। और थग्स ऑफ हिंदुस्तान रिकॉर्ड तो बनाएंगी, लेकिन उसके रिकॉर्ड कुछ ही दिन तक रुकेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके 20 दिन बाद ही रिलीज की जाएगी फिल्म रोबोट 2.0। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। साथ ही वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि आने वाली खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।